नंबर 17 में पार्षद प्रत्याशी का कार्यालय उद्घाटन। धनबाद नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज होती दिख रही है। जिले के हर क्षेत्र में पार्षद प्रत्याशियों की तैयारी जोरों पर है। चुनाव की तिथि अभी तय भी नहीं हुई है, पर हर वार्ड में पार्षद प्रत्याशी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में आज वार्ड नंबर 17 के पार्षद प्रत्याशी जितेंद्र कुमार ने आजाद नगर स्थित अपने कार्यालय का उद्घाटन विधिवत तरीके से पूजा पाठ कर अपनी माता कुंती देवी के हाथों से फीता काट कर किया। वहीं कोरोना योद्धा के रूप में मीडिया कर्मी को भी सम्मानित किया गया एवं मीडिया के सभी लोगों की प्रशंसा की गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए पार्षद प्रत्याशी जितेंद्र कुमार ने बताया कि सामाजिक क्षेत्र में सेवा भाव से लगा हूं। नगर निगम के इस तीसरे चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से वार्ड नंबर 17 की जनता का सेवक बनकर विकास के लिए संकल्पित हूं। मेरा कार्यालय चुनावी, ये तो एक सिस्टम है, उसके तहत आज हुआ, लेकिन मेरा जनता का घर मेरा कार्यालय है। जनता के घर घर पहुंच करके उनकी समस्याओं को लेना ही मेरा कार्यालय है। और बताएंगे आगे क्या कुछ है? आगे वार्ड 17, यह जो सभी धर्मों को मिला करके, सबसे पहले मैं उसको बार बार बोल रहा हूं कि यह वार्ड है और मेरा प्रयास रहेगा इस वार्ड में सभी को लेकर के मेरा चलने का और विकास सभी क्षेत्रों में करने का। कोई ऐसा क्षेत्र आजाद नगर, श्याम नगर, पथरा गोड़ा, अमन सोसाइटी, याहिया नगर, सिटी स्कूल का कुछ एरिया, आजाद नगर नीचे मोहल्ला, कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा विकास से, अगर जनता ने मुझे मौका दिया। आपके वार्ड में दर्जनों लोग खड़ा है, कहाँ मानते हैं अपने आप को सबके बीच? मैं प्रतिद्वंदी, मैं अपने आप को किसी को नहीं मानता हूँ, मैं प्रतिद्वंदी अपने आप खुद हूँ। मैं रोज क्या कर सकता हूँ वो मुझे करना है। मेरे लिए कोई प्रतिद्वंदी है नहीं है, मेरे लिए सभी भाई हैं। अगर जीतेंगे तो पहला प्राथमिकता क्या होगी आपके वार्ड के लिए, अपने क्षेत्र के लिए? मेरे अगर जीतते ही सबसे पहली प्राथमिकता मेरे जो है, छूटे हुए जो काम अधूरे हैं अभी तक, जो गरीब, जो सबसे अंतिम पंक्ति में जो गरीब जनता है, उसको मुझे आगे लाने का, उनकी समस्याओं को समाधान करने का सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी रहेगा। मेरा परिचय, मैं जितेंद्र कुमार, समाज सेवी और वार्ड 17 पार्षद प्रत्याशी।